Hi. Hi. Hi guys, welcome back to our channel. तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? गांव. All set to go. तो हम जा रहे हैं अपने गांव. जागृति. अभी तेरे साथ क्या हुआ? ना मेरे को ना चिप्स लेने थे और मैं ले नहीं पाई. उस टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था. यहाँ पे माला वाला चढ़ाई थी उन्होंने और फिर इसने डायलॉग मारा. ये तूने वादा किया है कि मुझे रविया चाउमीन पे चॉकलेट चाउमीन खिलाई. तो अभी हम लोग यहाँ पे गलिया मंदिर के पास पहुँच चुके हैं. तो अब हम रुके हैं यहाँ पे सल्ट में अपनी फेवरेट शॉप पे, रबिया होटल पे बेसिकली. और हमने चाउमीन मंगाई है. तो अभी सेम चीज़ मेरे साथ फिर हुई. फिर से नहीं बोल पा रही थी कि मुझे फुल प्लेट खानी है इंस्टेड ऑफ हाफ. फिर मम्मी ने बोला हमारी एक शॉप है गांव में और वहाँ पे जो शॉपकीपर है उन्होंने आइसक्रीम मंगाई थी, तो वो इस शॉप में आती, बल्क में आती बेसिकली, तो वो खरीदते हैं. तो वो आइसक्रीम अब यहाँ रखी गई है गेटों के बगल में. और जब ये काम हो रहा था और बैग यहाँ पीछे जा रहा था उस टाइम पे टूटे नहीं, थोड़े खिसके इधर को, जैसे तेरा दिमाग खिसका है. तेरी शक्ल ऐसी क्यों हो रही है? तो अब जो है बसेस शुरू हो गई है, इस वजह से यहाँ काफी भीड़ हो रही है. जैसे आपको दिख रहा होगा हम लोग मौलिकाल में अभी. मोहनदा कौन है? ओके. मेरी फुल प्लेट चाउमीन और साथ में मैंने ये चॉकलेट ली है, वो क्या बोलते हैं, आइसक्रीम, सॉरी. अब मैं जेलस हूँ क्योंकि मुझे भी फुल प्लेट खानी है. मेरे बगल में बैठी है, तुम्हें तो यही हाथ मारना सीधा. हाँ. और इसके बाल भी टेप पे चिपक रहे हैं वहाँ पे, यहाँ इस टेप पे. ये तो ये अपनी चाउमीन खा रही है यहाँ पे और मैं खा भी नहीं पा रही हूँ. मेरी चाउमीन बना कर रख दी है यार, ये देखो. तो ये गीतू के बाल हैं जो इसमें चिपक के टूट गए. मैंने कुछ नहीं खाना गीतू. तो ये रही भट्टी और ये डैडी कह रहे हैं दो लोगों को ले जानी होगी. अब मेरे को पता है वो दो लोग कौन है. मैं और गीतू. और आज हमारे साथ है मॉडर्न मम्मी. और मॉडर्न मम्मी क्या कर रही है? आज मैं भोले शंकर के लिए आम ले जा रही हूँ. तो मैं कंडी भी लाई हूँ अपनी पारंपरिक जो उत्तराखंडी कंडी है, तो उसमें मैं भोले शंकर के लिए कुलांटेश्वर मंदिर में आम ले जा रही हूँ. जय भोले की. क्योंकि हम लोग भट्टी लेके जा रहे हैं तो मम्मी डैडी भी अपने साथ कुछ लेके जा रहे हैं. और डैडी ये क्या है? मैं चंपा ले जा रहा हूँ और ये हम शिवालय में लगाएंगे सब. आज इसका पादप रोपण करेंगे. okay. और अगर ये भोले की कृपा वगैरह खिलेंगे तो पूरा महक जाएगा. हाँ, वहाँ पे खिल जाते हैं ना एडी फूल. हाँ, वैसे बहुत सुंदर हो जाएगा. yes. और ये भट्टी हमने भंडारे के लिए देने के लिए करी हुई थी वहाँ पे, तो कोई भी भंडारा होगा तो लकड़ी ना हो पाई तो इसमें जो है भोजन पका के वितरण हो जाएगा. राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली. तो हम लोग अब शिवालय पहुंच चुके हैं, मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं. जो ये फूल है ये रात की रानी है, तो ये सिर्फ रात को ही ब्लूम होती है. डैडी यहाँ पे स्पेस बना रहे हैं चंपा के लिए. महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे चंपा के पौधों का पादप रोपण किया जा रहा है और महाराज जी ने खुद अपने हाथ से यहाँ पे पादप रोपण किया है. आज सोमवार का पवित्र दिन भोले शंकर का दिन है. बाबा जी यहाँ के सचेतक भी हैं, क्षेत्र के सचेतक भी हैं और यहाँ के मंडलेश्वर हमारे बाबा जी
आपके आशीर्वाद से ये उपवन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जय भोलेनाथ। हम आपको एक और जगह दिखाने वाले हैं अभी। तो उधर दूर आपको सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है वो गश पता क्या है? क्या? शमशान घाट है। वो शमशान घाट है वहाँ पे गश्त। हम यहाँ पे महादेव जी के पास आए हैं, तो तू क्या मांगना चाहेगी महादेव जी से? डोंट से 1000 सब्सक्राइबर्स। मैं बोलना चाहती हूँ बस कि हम अपने विशेष किसी को नहीं बताते, नहीं तो पूरी नहीं होती। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है सब खुश रहे हैं बस, और यही उनके खुशी मांगना चाहूँगी महादेव जी से। मैं यही चाहूँगी कि जो भी हमें हमारे चैनल को सपोर्ट करता है तो भोले बाबा की कृपा उनके सदैव बनी रहे और उनके परिवार पर भोले बाबा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और जय भोले बाबा की जय हो, जय हो, हर हर महादेव। डैडी आप भोले बाबा जी से क्या मांगना चाहोगे? मैंने भोले बाबा जी से आशीर्वाद मांगा सारे इस सृष्टि को स्वस्थ रखो। ओ नाइस। और सब स्वस्थ कल्याण रहे और साथ साथ सब रहेंगे तो हम भी रहेंगे। डैडी बिल्कुल भी मतलब ही नहीं है। डैडी पता हमने क्या मांगा? हमने ये मांगा कि जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं सब खुश रहे। इसने कहा जो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं सब खुश रहे। क्या बोल रही है गश्त? बोल मैं आर्टिकल लगी छ क्या? हाँ लगी छ। भगवान रंग टीका लगी छ मेरा? भगवान रंग टीका लगी छ। भल छ। गिलास भी धोनी है। फूक मार के अपनी चाय पी ली छोड़ गए तो करनी छोटी। तो एक बात है जो हम पिछली बार बताना भूल गए थे, अभी बता देते हैं। वो जो त्रिशूल के बारे में था, जो त्रिशूल के कुंडल हैं। हाँ, त्रिशूल के कुंडल लगाने का उद्देश्य ये था कि जब यहाँ पे हवा चलेगी तो ये कुंडल बजेंगे तो डमरू अपने आप बजेगा, और ऐसा होता है। यस। जैसे भी हवा चलती है तो ये कुंडल बजते हैं और वो डमरू पे टकराते हैं और फिर डमरू बज जाता है। हाँ जी। ये सोच के मैंने ये काम इस तरह से किया हुआ था भोले शंकर के आशीर्वाद से। नाइस। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जागृति कुछ ला भी रहे खाने के लिए। डैडी एक मिनट। भाजी नमस्ते। क्या लाइए? फाइनली ये वाला मेरा फेवरेट है। बाजार कौन सी? आई नहीं। थैंक यू। यू द बेस्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड इन लखोरा। पीपल आर लुकिंग एट अस। अभी हम लोग जोगीमणी पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। हम अभी जोगीमणी आए हैं। अभी हम यहाँ पर चाय बना रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं और बकरियाँ भी देखी होंगी आपने अभी बाहर। हाँ देखी थी। और मम्मी बता, एक बकरी का नाम दानू है। एक डुमरी नाम भी होता है। बकरियों के नाम भी हैं और वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं अपने। हाँ, जैसे दानू बोला तो उसने देखा मुड़ के कि हाँ जी कॉल मी। और ये बिस्किट खाए होंगे तो अब ये उसे में हाथ मार रही है बस। ये जस्ट अभी चाय रख रही है यहाँ पे। तो ये कुछ फैंसी से कप्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं मुझे बहुत पसंद है ट्रांसपेरेंट कप्स। हमारे घर भी है दिल्ली में। हाँ आजकल मेरी चीट डे चल रहा है, इस वजह से मैं चाय पी रही हूँ। आजकल नहीं, आज ही बर्फ कल भी हो गई। मैं मैंने इसे थोड़ी राहत दे दी है। वनकम। ये लड़की, ये क्या हो रहा है? मतलब ये बहुत गर्म है। बहुत गर्म हो रहा है, थोड़ी हिम्मत चाहिए होती है ना। कोटा फैक्ट्री वाली लड़की, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, अगर आपको याद है तो प्लीज कॉल। इसने पूरी वीडियो में मेरा ये जूम करके फेस ले लिया है और अब मैं कैमरा लगाऊंगी ना, इसकी शक्ल दिखाऊंगी आपको। आपने देख ली होगी मेरी शक्ल। ये ऐसे दिखती है जनरल, इसकी आंखें ऊपर ही होती हैं। गश्त, एक चीज है जो तुझे गांव में हमेशा मिलेगी। क्या? ये वाले बैग। नहीं, ये वाले बैग यार, चाहे गांव में पहाड़ हो ना हो, ये बैग पक्का होंगे। ये सामने जो है चौखाल दिख रहा है। सबसे पहले तो जो ये नीचे गांव है, ये बयाड़ा है, फिर वो चौखाल है,
वो चौखाल वही रोड सीधा जा रही है उफरेखाल, उफरेखाल से बुंगीदार, बुंगीदार से गैरसैंण को मिलती है। इस रोड पे हमने बहुत स्कूटर चलाया सन 1999 से लेकर 2003 तक, जब पहाड़ों में लोग स्कूटर और बाइक को अवॉइड करते थे, नहीं आया करते थे। तो मैं सेल्समैनी का अपना काम करता था तम्बाकू बेचने का, तो मैं रामनगर से ऐसे धुमाकोट होके बिरुखाल बैजरा होके और चौखाल उफरेखाल बुंगीदार और गैरसैंण तक मार्केट किया करता था। मेरे पे स्कूटर था वेस्पा का LML का। टेम्परेचर बिल्कुल हमारे अनुकूल चल रहा है और ऐसे लोगों ने यहाँ पे गेस्ट हाउस बना रखे हैं, जैसे गेस्ट हाउस है जो हम लोग यहाँ आते हैं, ये भी हमारे हमारे गुरुजी ने भी गेस्ट हाउस बनाया है जिसमें हम अभी खाना खा के आए हैं। ये जोगीमली का मार्केट है, यहाँ पे एक पाठी लाला हुआ करते थे तो मैं और मेरी मम्मी कुरकंडिया से आ रहे थे। कुरकंडिया गाँव पड़ता है पीछे, वो यहाँ से दिख नहीं रहा है, वहाँ मेरी बुआ रहती हैं। तो मैं और मेरी मम्मी बुआ के घर से आ रहे थे और फिर हम इस मार्केट में पहुँचे सुबह 7-8 बजे, तो पता चला पाठी जी ख़त्म हो गए थे उस दिन। तो ये भी हम मेरे लिए यादाश्त बात है कि पाठी लाला जो है उस दिन ख़त्म हुए जिस दिन मैं और मेरी मदर इधर से आ रहे थे। वो सामने जो टावर दिख रहा है आपको, उसके नीचे वो शिशु मंदिर है, टावर के नीचे शिशु मंदिर है और टावर के परली तरफ को जोगीमणि का इंटर कॉलेज है, जिसमें सन 1969 में साइंस का विषय जो गढ़वाल क्षेत्र में कहीं कहीं था, पहली बार साइंस जो है 1969 में इस जोगीमणि इंटर कॉलेज में आई है। 236 नाली ज़मीन में ये प्रांगण है इसका, बहुत बड़ा भवन बना हुआ है, यहाँ से दिख नहीं रहा है। और उसके बाद फिर चूरकोट और नीचे बैजरों को ये रोड अब आ गया, ये जाता है। और एक बात और मैं आपको बताऊँगा कि मेरे भाई साहब ने, तीनों बड़े बड़े भाई साहब ने उसी स्कूल में पढ़ाया है, 6th से 10th तक 12th तक उसी जोगीमढ़ी इंटर कॉलेज में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। और वो करीब करीब यहाँ से 9 किलोमीटर दूर लखोरा क्षेत्र में जो हमारा गांव है वहाँ से आते थे, और वो पैदल पैदल आते थे इस रास्ते। और एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि वो पैदल पैदल आते थे, जिस समय स्कूल गाँव से स्कूल आते थे उस समय तो गोबर लाते थे सर में, हमारे भी ऐसी खेत हैं डांडे में ऊपर, और जाते समय बांस के पत्ते ले जाते थे गाय और बकरियों के लिए, भैंसों के लिए अपनी। तो इस तरह की शिक्षा पुराने लोगों ने ग्रहण की है और वो धन्य है, मैं नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो ये घिंगारू का पौधा है और इससे एक स्टोरी भी जुड़ी है। तो जब हम छोटे थे तो हम एक बार गाँव आए थे और उस टाइम पे काफल होते थे, काफल आप सबको पता होगा यहाँ पहाड़ का एक फल होता है उत्तराखंड का, और हम लोग वापस जा रहे थे घर, तो उस टाइम पे सड़क नहीं थी तो हम पैदल जा रहे थे, और मुझे लगा कि ये मतलब मी मुझे लगा ये काफल है, और मैं सोच रही हूँ कि ऐसे ज़मीन पे क्यों है, क्योंकि काफल का तो पेड़ होता है, और मैं इसे खुशी से तोड़ के बिल्कुल ले गई और जागे थे के लिए भी कि तीन दाने उसके लिए तीन दाने मिले, और भागते भागते गई पीछे और मैंने कहा एक दो खा लेती हूँ रास्ते में। और जिस जिसको पता है कि ये क्या होता है, इससे ना इसको खाते ही जीभ में कीड़ा जैसा काटता है, तो इतनी तेज़ मेरे जीभ में चटकारे हुए जैसे वो पॉप कुछ करके होता है आजकल मिलता है वो, वैसे ही तो कीड़े ने इतनी तेज से काटा मेरी जीभ में और एक हफ्ते तक उसका दर्द रहा था। तो ये इसके साथ एक स्टोरी जुड़ी है। सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड आवर विलेज एंड वी आर एंजॉयिंग ब्लैक टी राइट नाउ। तो अभी हम यहाँ स्कूल के पास आए हैं क्योंकि यहीं पे सिग्नल्स आते हैं एंड जागृति यहाँ पे ऑडियो डाउनलोड कर रही है वीडियो के लिए, तो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि एक वीडियो लाइव जाने वाली है एंड उसके लिए हमें सिग्नल्स की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे भजन बज रहे हैं एज़ यूजुअल कालिंका मंदिर में, तो पूरे पहाड़ों में आवाज़ गूंज रही है। हेलो गाइस, तो हम लोग ना गाँव आ गए हैं एंड वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।